चलिए सीधा रुख कर लेते हैं वाराणसी, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे हैं और इस दौरान कई परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास यहां पर किया गया है। और फिलहाल ये एक तस्वीर आप यहां पर देख सकते हैं, दरअसल मेले का आयोजन भी यहां पर किया गया है। इसमें शिल्पकार हैं, बुनकर हैं, बेरोजगार हैं, जहां पर युवकों को जॉब लेटर भी दिए जाएंगे। तो काशी एक रूप अनेक, ये एक 3 दिवसीय कार्यक्रम यहाँ पर, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि हस्तशिल्प शिल्पकारों और बुनकरों से यहाँ पर जो उनके स्टॉल्स लगाए गए हैं, अलग अलग क्षेत्रों से जो आए हुए हैं, उनसे यहाँ पर जानकारी भी ली जा रही है कि आखिरकार उनके स्टॉल की जो विशेषता है वो क्या है, वो वहाँ पर किस स्टॉल को यहाँ पर चला रहे हैं। तो सीएम योगी आदित्यनाथ, साथ ही राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी इस दौरान उनके साथ मौके पर मौजूद है। तो तस्वीरें आपके सामने हैं वाराणसी के एक दिन के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी, जहां पर 1200 करोड़ की परियोजनाओं का जो सौगात है वो आज काशी के लोगों को दी गई है। और फिलहाल ये तस्वीरें हैं, काशी एक रूप अनेक, ये 3 दिवसीय कार्यक्रम है। इसका उद्घाटन भी यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए किया गया है। यहाँ शिल्पकार जो हैं, बुनकर जो हैं, और जो कहीं ना कहीं हाथों की चीज़ों से इस्तेमाल जो चीज़ें बनाई गई हैं उनको अपने स्टॉल के जरिए प्रदर्शित कर रहे हैं। उनसे एक एक लोगों से बातचीत करते हुए, मुलाकात यहाँ पर करते हुए, तो यहाँ पर बेरोजगार युवकों को जॉब लेटर भी दिए जाएंगे, इस तरह की जानकारी भी है यहाँ पर। एक जिला एक उत्पाद, यानी कि हर एक जिले को यहां पर लेकर जो उस जिले की विशेषता है उसको प्रदर्शित यहां पर किया जा रहा है। कई जगहों की अगर बात करें तो कहीं का इत्र है, जैसे कि कन्नौज का अगर जिक्र कर ले तो वहां का इत्र मशहूर है, तो उस जिले को इत्र के यहां पर जाना जाता है। तो ऐसे में कोशिश यही है कि प्रदेश का जो हर एक जिला है उसमें एक जिला एक उत्पाद को प्रदर्शित किया जाए। और ऐसे में ये तस्वीर प्रदर्शनी यहाँ पर जो लगाई गई है, शुभारंभ यहाँ पर किया गया है। तो सीधी तस्वीरें वाराणसी से आपके सामने हैं और आप ये जो तस्वीर देख रहे हैं ये वही प्रदर्शनी का हिस्सा है, एक जिला एक उत्पाद को लेकर, काशी एक रूप अनेक। तो घर में अगर सजावट के सामान की बात करें यहाँ पर, उसको लेकर एक जिला उसकी विशेषता वहाँ पर उस जिले की रखी गई है। और वहीं जो तस्वीरें होती हैं, इत्र ही क्यों ना हम कह लें, जैसे कि ये देख सकते हैं कन्नौज का, जिस तरह से हम जिक्र कर रहे थे कन्नौज इत्र के लिए मशहूर है, तो ऐसे में कन्नौज जिले की वो एक उत्पाद जो उसके लिए मशहूर है तो उसका भी यहाँ पर प्रदर्शनी लगाई गई है। तो हर एक जिले की एक एक खासियत, एक एक ऐसी चीज़ जो उस जिले को अलग यहाँ पर बना देती है, उस जिले की विशेषता को यहाँ पर लाकर रख देती है। तो हर एक जिला, हर एक उत्पाद का रुख यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आज जहां पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा का अनावरण किया गया, तो वहीं कई परियोजनाओं का शिलान्यास भी, और ये आगरा का आप देख सकते हैं, आगरा का स्टॉल है जहाँ पर चमड़े का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, चमड़े के जो जूते हैं, जो उत्पाद है उसकी ज़्यादा वहाँ पर अहमियत है, उत्पाद वहाँ पर ज़्यादा होता है, तो वहाँ का
उत्पाद, आगरा का उत्पाद यहाँ पर दिखलाया गया है। और ऐसे ही एक एक करके आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री मोदी हर एक जिले, हर एक उत्पाद का जानकारी यहाँ पर हासिल करते हुए कि किस तरह से उसका इस्तेमाल यहाँ पर किया जाता है और किस तरह से वो उत्पाद लोगों में काफी लोकप्रिय है। तो हर एक चीज़ का अच्छे से यहाँ पर अवलोकन करते हुए, जायज़ा लेते हुए, जानकारी हासिल करते हुए कि किस तरह से चीज़ें ये जो बनाई गई हैं वो लोगों में कितने लोकप्रिय है और किस तरह से ये एक जिला एक उत्पाद के तहत उसमें सबसे अलग है। तो तस्वीर आप देख सकते हैं, अब हैंडीक्राफ्ट से जुड़े हुए जो 25 उत्पाद हैं उनकी प्रदर्शनी भी इसमें लगाई गई है। घर में सजावट के जो सामान होते हैं उसको भी यहाँ पर दिखलाया गया है। और ऐसे ही रोजगार यहाँ पर बढ़ता है, उत्पाद यहाँ पर देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी पहुँचता है। और इसी चीज़ को दिखलाते हुए कि उत्तर प्रदेश अपने आप में कितना समृद्ध है और कितनी यहाँ पर आकांक्षाएं हैं, संभावनाएं हैं भविष्य को लेकर, जहाँ पर रोजगार मिल सकता है युवाओं को और भविष्य यहाँ पर किसी एक उत्पाद से जुड़कर बेहतर बनाया जा सकता है। काशी एक रूप अनेक और इन्हीं रूपों की छटा आज इस प्रदर्शनी में देखने को यहाँ पर मिल रही है। एक जिला एक उत्पाद पर आधारित ये प्रदर्शनी तो एक मौका उन शिल्पकारों को, उन कलाकारों को दिया गया है इस प्रदर्शनी के जरिए, जो कहीं ना कहीं अपनी प्रतिभा को यहाँ पर प्रदर्शित कर सके। और उत्सुकता आप इनको यहाँ पर देखकर ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब प्रधानमंत्री उनके उत्पाद को लेकर यहाँ पर जानकारी ले और उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देने की चर्चा करे, तो ऐसे में ये खुद लोग बेहद उत्साहित नज़र आते हैं। और कोशिश यहाँ पर यही रहती है कि आखिरकार किस तरह से अपने उत्पाद के विकास के साथ साथ ही प्रदेश की और भी इस विकास के पथ को आगे बढ़ाते रहें। तो मिट्टी के बर्तनों का जिस तरह से इस्तेमाल होता है आजकल, जो एल्युमिनियम के बर्तन या फिर स्टील के बर्तन होते हैं उनका उपयोग यहाँ पर कई ना लोग भी कम इस्तेमाल करते हैं और ज़्यादा तवज्जो अब यहाँ पर मिट्टी के बर्तनों को दी जा रही है। तो ऐसे में हर एक उस चीज़ को इस प्रदर्शनी में सम्मिलित किया गया है जिससे जनता कहीं ना कहीं अपने आप में जुड़ाव करती है। और इसके साथ ही आगे बढ़ते हुए हस्तशिल्प और हथकरघा से बने हुए उत्पादों को प्रधानमंत्री बेहद उत्सुकता के साथ देखते हुए। तो एक जिला एक उत्पाद और यही इस प्रदर्शनी का मकसद, जहां पर यूपी के जितने भी जिले हैं उन जिलों में, उन जिलों को सम्मिलित करके ये प्रदर्शनी यहाँ पर
लगाई गई है। तो आगरा की बात करें तो चमड़ा उत्पाद वहाँ पर प्रमुखता से देखने को मिलता है। अलीगढ़ की बात करें तो वहाँ के ताले काफ़ी मशहूर हैं, और ऐसे में ही हर एक ज़िले की जो उत्पाद हैं उनको प्रदर्शित किया गया है। इसके साथ ही आज़मगढ़ की बात करें तो काली मिट्टी की जो कलाकृतियाँ हैं वो भी यहाँ पर आपने देखी कि किस तरह से उस पर भी यहाँ पर जो काम किए जा रहे हैं, जो आगे बढ़ाए जा रहे हैं, जो सिर्फ ना देश में ही बल्कि विदेशों तक पहुँचते हैं। तो आज़मगढ़ की भी अपने आप में पहचान है, काली मिट्टी की जो कलाकृतियाँ बनी होती हैं। वहीं अंबेडकर नगर की बात करें तो वस्त्र उद्योग, वस्त्र उत्पाद जो है वो काफ़ी मशहूर है, और ऐसे में अंबेडकर नगर के वस्त्र उद्योग को, उत्पाद को यहाँ पर शामिल किया गया है। और राजू श्रीवास्तव फिलहाल हमारे साथ वाराणसी से हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। राजू, ये प्रदर्शनी अपने आप में काफ़ी अहम है क्योंकि रोजगार को लेकर बात की जाती है, और ऐसे में ये प्रदर्शनी बतलाती है कि एक उत्पाद एक जिला, और इस उत्पाद को अपना के आप कहीं ना कहीं अपना भविष्य बेहतर कर सकते हैं। और ये उत्सुकता यहाँ पर, ये जो लोग यहाँ पर सम्मिलित हुए हैं प्रदर्शनी को लेकर, इनके मनोबल को बढ़ा रहा है। देखिए, कहीं ना कहीं जो छोटे व्यापारी थे वो काफी समय से नाराज चल रहे थे और उनका रोजगार पूरी तरीके से ठप हो चुका था। प्रधानमंत्री जब अपने संसदीय क्षेत्र आने का जब उनका प्लान तैयार हुआ, मास्टर प्लान तैयार हुआ, तो छोटे व्यापारियों को कैसे रोजगार मिल सके, इसके लिए एक मास्टर प्लान तैयार हुआ जिसके तहत आज ये प्रदर्शनी लगाई गई, और उसमें कई लोगों को रोजगार कैसे किया जाए, छोटे व्यवसाय कैसे किए जाए और उसमें कैसे पैसे कमाए जाए, इसको लेकर प्रधानमंत्री अपने संसदीय क्षेत्र में लोगों को रोजगार देते नजर आएंगे। यही वजह है कि इस प्रदर्शनी में छोटे बड़े बड़े उद्योग के लोग भी इस प्रदर्शनी से जुड़ रहे हैं, और छोटे उद्योग के लोग भी इस प्रदर्शनी से जुड़कर अपने उद्योगों को आगे बढ़ाएंगे, और जो इस काशी की संस्कृति और सभ्यता है उसकी भी झलकियां इस प्रदर्शनी में देखने को मिल रही है। जी जी, इसके आगे के अगर कार्यक्रम की बात करें राजू, तो आगे का क्या कार्यक्रम है, जिस तरह की रूपरेखा तय की गई थी? देखिए, आपसे कुछ देर बाद यहाँ पर प्रधानमंत्री अपने कार्यकर्ताओं से वार्तालाप करेंगे, बातचीत करेंगे, पार्टी की रणनीति के बारे में जानकारी लेंगे और क्या क्या उनके संसदीय क्षेत्र में काम कराना है, क्या हो चुका है, उस पर कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेते नजर आएंगे। और सबसे अहम ये है कि जो बीते दिनों एनआरसी और सीए को लेकर जो देश भर में जो एक हंगामा था, उसमें जब खुद सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काशी से उसका आह्वान किया था कि जो सीए के बारे में गलत अफवाहें फैला रहे हैं, बीजेपी कार्यकर्ता डोर टू डोर जाके लोगों को जागरूक करते नजर आएंगे, तो वो कार्यक्रम भी युद्ध स्तर पर काशी के और पूर्वांचल के अलग अलग जिलों में चला, उस पर प्रधानमंत्री लोगों से बातचीत करते नजर आएंगे, कार्यकर्ताओं से क्या आगे विकास कार्य और कराना बाकी है अपने संसदीय क्षेत्र में, उसके लिए कार्यकर्ताओं से बातचीत करते नजर आएंगे। जी बिल्कुल। और अभी राजू, जहाँ की हम ये तस्वीरें देख रहे हैं जहाँ प्रदर्शन लगाई है, वहीं पर एक मंच है, और अगर मंच की दूसरी तरफ यहाँ पर देखें तो काफ़ी संख्या में यहाँ पर लोग हैं, जिसमें कहीं ना कहीं विदेशी लोग भी शामिल यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। तो ऐसे में इस प्रदर्शनी के ज़रिए एक इंट्रोडक्शन यहाँ पर प्रदेश की जो उत्पाद है उनको भी किया जा रहा है विदेशी देशी नागरिकों के बीच में, और कहीं ना कहीं इससे आयात निर्यात में एक काफ़ी फर्क पड़ने वाला है। देखिए, अभी हमने बताया कि बनारस टूरिज्म का एक बड़ा हब है, यहाँ पर कैसे किसी विदेशी चीजों को बेचा जा सके, कैसे एक छोटा व्यापारी बड़ा व्यापारी बन सके, उसको कैसे दो चार पैसे की बचत हो और कैसे उसको रोजगार मिल सके और लोगों को कैसे रोजगार दिया जा सके, कैसे विदेशी नीति अपनाई जाए या देसी नीति कैसे अपनाई जाए, इन सभी बातों पर अभी प्रधानमंत्री चर्चा करते नजर आएंगे इसी मंच से। जी चलिए, रुख करेंगे एक बार फिर से आपका राजू, आप हमारे साथ बने रहिए। तो शिल्पकारों से बातचीत यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी की हुई, और फिलहाल ये तस्वीर आप देख सकते हैं वाराणसी में ही मंच जो कि इस प्रदर्शनी के साथ ही लगाया गया है, काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद है, स्मृति चिन्ह यहाँ पर भेंट किया गया सीएम योगी आदित्यनाथ के जरिए। तो दीनदयाल हस्तकला संकुल यहाँ प्रधानमंत्री मोदी शामिल हुए हैं, प्रदर्शनी का अवलोकन उनके जरिए किया गया है, और ये एक तस्वीर जो प्रधानमंत्री मोदी की बनाई गई है उसको भी यहाँ पर भेंट स्वरूप दिया गया है।
तो ये हुनर है प्रदेश के उन कलाकारों का जिन्होंने आज अपनी कलाकृतियों को यहाँ पर प्रदर्शित किया है और बतलाने की कोशिश की है कि हर एक तरह से अगर देखा जाए तो प्रदेश में किसी चीज़ की कमी नहीं है और ऐसे में उत्पाद से जो कमियां हैं उस विकास में जो कहीं ना कहीं अटकलें हैं वो उनको दूर करते हुए अपनी गति को आगे बढ़ाएगी और यही इस प्रदर्शनी का मकसद है कि एक जिला एक उत्पाद यहाँ पर बने और ऐसे में लोग अपनी ताकत को यहाँ पर असल में पहचान पाए। तो 25 उत्पादों की प्रदर्शनी जो कि इस प्रदर्शनी में शामिल की गई है, कारीगर यहाँ पर मौजूद रहे, हस्तशिल्पकार यहाँ पर मौजूद रहे। तो तस्वीरें कई अन्य विशिष्ट लोग भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मौजूद हैं क्योंकि वाराणसी को देखा जाए तो पर्यटन के लिहाज से काफ़ी अहम और ऐसे में विदेशी सैलानी भी जो हैं वो अपने आप काशी की ओर खींचे चले जाते हैं और ऐसे में जब संभावनाएं कई हो काशी के साथ जुड़ने की तो ऐसे में विदेशी नागरिकों की भी उत्सुकता यहाँ पर बढ़ जाती है। तो हैंडीक्राफ्ट से जुड़े हुए 25 उत्पाद शिल्पकारों को कारीगरों को यहाँ पर बुलाया गया, उनकी एक एक प्रदर्शनी जहाँ हमने जिक्र किया कन्नौज के इत्र का, आजमगढ़ की काली मिट्टी की कलाकृतियों का, वहीं अम्बेडकर नगर के वस्त्र उत्पाद का, इसके साथ ही बदायूं की जरीदोजी का जो उत्पाद है वो भी अपने आप में काफ़ी लोकप्रिय है, अलीगढ़ के ताले और साथ ही आगरा का चमड़ा उत्पाद भी अपने आप में काफ़ी प्रमुख है और इसी को प्रदर्शित आज इस कार्यक्रम के जरिए किया गया है। तो काशी एक है लेकिन रूप इसके अनेक है और इन्हीं रूपों को आज प्रदर्शित किया गया है जहां प्रधानमंत्री मोदी सुबह से ही वाराणसी के दौरे पर और एक एक करके कई जगहों का रुख उन्होंने किया, सौगातें दी और परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया गया और अब इस प्रदर्शनी में वो फिलहाल शामिल हो रहे हैं। तो मंच आप देख रहे हैं, मंच में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सिद्धार्थनाथ सिंह, सीएम योगी आदित्यनाथ भी फिलहाल आप देख सकते हैं कि इस दौरान मंच पर मौजूद हैं जहां पर यहां उनको कुछ वस्तुएं जो हैं जो कारीगरों के जरिए बनाई गई हैं प्रधानमंत्री मोदी को भेंट की गई। तो आज का ये दौरा बेहद खास यहाँ पर रहा है, इस साल का ये पहला दौरा प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी का, जहाँ पर पहुँचकर अपने इस संसदीय क्षेत्र को सौगातें यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी के जरिए दी गई हैं। तो जानकारी कार्यक्रम को लेकर सीएम योगी से हासिल करते हुए और जैसा कि हमारे सहयोगी यहाँ पर राजेश श्रीवास्तव बता रहे थे उनके मुताबिक इस कार्यक्रम के बाद प्रधानमंत्री अपने कार्यकर्ताओं से नेताओं से भी यहाँ पर बातचीत कर सकते हैं, जानेंगे कि आखिरकार समस्याएं अगर कहीं आ रही हैं तो उनके बारे में वो कम से कम अवगत हो पाए। तो एक डॉक्यूमेंट्री को, एक प्रोजेक्ट को यहाँ पर दिखलाया जा रहा है, काशी एक रूप अनेक और साथ ही एक जिला एक उत्पाद के जरिए देख सकते हैं कि जो बरसों से परंपरा चली आ रही थी हथकरघों को लेकर, कलाकृतियों को लेकर, जिनको कहीं ना कहीं लेकर कहा जा रहा था कि वो अब चीज़ें होती चली जा रही है, जरदोजी का जो काम है वो कहीं ना कहीं होता हुआ चला जा रहा है, तो ऐसे में उस परंपरा को और आधुनिकता की ओर आगे बढ़ते हुए फिलहाल कोशिश एक बार फिर से एकजुट होने की और अपनी ताकत को पहचानने की है। तो फिरोजाबाद का ग्लास वर्क, लकड़ी का काम, मालबर इले, तो
हर एक जगह की जो प्रसिद्धि है यहाँ पर उसको बतलाने की कोशिश इस कार्यक्रम के जरिए की जा रही है।